और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाला मामले में अनवर ढेबर और नितिन पुरोहित को कोर्ट ने जेल भेजा है। एपी त्रिपाठी त्रिलोक ढिल्लन को 4 दिन के लिए ईडी को सौंपा गया है। सभी आरोपियों को ईडी ने रायपुर कोर्ट में पेश किया था। और हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ गए। अंकुश, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में जो प्रवर्तन निदेशालय है उन्होंने खुलासा किया था कि छत्तीसगढ़ में शराब मामले में करीब 2000 करोड़ की अफरा तफरी हुई है और उसको लेकर कुछ आरोपियों को गिरफ्तारी हुई थी। अब गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में पेश करने के बाद जो शराब कारोबारी है अनवर ढेवर के साथ साथ नितिन पुरोहित को कोर्ट ने सजा सुनाई और जेल भेज दिया है। एपी त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन को 4 दिन के लिए फिर से ईडी को सौंप दिया है, रिमांड दे दी गई है। और सभी आरोपियों को आज ईडी ने रायपुर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद से यह डिसीजन सामने आया है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और शराब मामले में जो पैसों की अफरा तफरी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली। अंकुश, एपी त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन को 4 दिन के लिए ईडी को सौंपा गया, इस दौरान क्या कुछ पूछताछ हो सकती है और भी कितने लोग इस वक्त रडार पर हैं? देखिए, काफी लंबे समय से ये चारों आरोपी जो है ईडी की गिरफ्त में थे और ईडी जो है लगातार इनसे पूछताछ कर रही थी। चूंकि अनवर ढेवर और नितिन पुरोहित को इसके पहले भी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से रिमांड ईडी को मिली थी, और अब दोष कहीं ना कहीं सिद्ध हुआ है। यही कारण है कि अब दो लोगों को जेल भेज दिया गया है और बाकी एपी त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन को एक बार फिर से ईडी ने रिमांड मांगी थी और रिमांड के आधार पर 4 दिनों तक इनसे पूछताछ होगी। स्पष्ट है कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में ईडी और पूछताछ करेगी और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, चलिए अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर अनूपपुर से सामने आ रही है। कोयले के अवैध परिवहन पर